यदि राजा राम जैसा हो तो उनका हर संकल्प पूरी प्रजा मानती है। अभी आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति रहा जिसका संकल्प प्रजा का संकल्प हो गया और या जनता का संकल्प हो गया? देखिए, राजा राम जैसा हो तो उसका संकल्प प्रजा का संकल्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजा अपनी स्वीकार्यता और अपनी सहजता, क्या कोई विश्व में, लोकतंत्र में कोई ऐसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष है जो शपथ ग्रहण के बाद माइक से ये कह दे कि जो अनीति कुछ भांको भाई तो मोहि बरजो भय बिसराई। भगवान ने इसी अयोध्या जी में जब राज्याभिषेक अपना उनका हुआ तो उन्होंने कहा, देखो भैया, अगर मैं भी कोई अनीति करूँ ना तो मोहि बरजो, मतलब रोक देना, ज्ञान मत देना, मेरा हाथ पकड़ के रोक देना कि ए राजा गलत कर रहे हो, और कैसे, भय बिसराई। तो जो राजतंत्र का सूत्र है, चित्रकूट से भरत दो चीज लेकर लौटे, एक लेकर लौटे भगवान की चरण पादुकाएं और एक लेकर लौटे नीति का ज्ञान। जन नीति सही नीति नहीं होती हर बार। जनता तो चाहती थी कि राम लौट आए, लेकिन नीति चाहती थी कि राम वहीं रहे, क्योंकि उनके पिता ने संविधान संशोधन कर दिया। तो आजादी के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री जी, देश में अन्न नहीं था, उन्होंने लोगों से कहा कि एक वक्त अगर खाना नहीं खाएं तो देश में पर्याप्त अन्न बच जाएगा। मेरे पिताजी 87 वर्ष के हैं, आज भी सोमवार के दिन खाना नहीं खाते। आज देश में इतना अन्न, हाँ, आज देश में इतना अन्न है कि विश्व में जा रहा है। पोते पूछते हैं कि क्यों नहीं खा रहे, कहते हैं कि वो शास्त्री जी चले गए, व्रत रह गया। तो राजा अगर राम जैसा हो तो ये संकल्प जो पूरा हुआ है ये इसी कारण से पैदा हो। और आप देखिए, अभी तो सिर्फ वो जो बन रहा है उसके दर्शन दूर से हो रहे हैं, उसमें देखिए कि आस्तिकों की लाइन, और इनमें युवाओं के चेहरे पहचानिए आप, ये कोई निवृत्ति मार्ग पे निकले हुए बूढ़े, हताश, निराश लोग नहीं है, ये नवभारत की आशा से जुड़े हुए लोग हैं। तो जिन लोगों ने भी इन निगाहों की राजनीतिक भाषा नहीं पढ़ी और नहीं समझी थी 30 वर्ष पूर्व, वो राजनीतिक रूप से भी मूर्ख थे, आध्यात्मिक रूप से तो वो चेतनाहीन थे ही, उन्हें ये भी समझ में नहीं आया कि इस देश के युवाओं के, इस देश की जनता के, माओं के, माता ने जिस तरह 14 वर्ष काटे हैं वलकल में, ये हिंदुस्तान की नारियों के लिए आजीवन जमीन लिए हुए जमींदार, उससे लड़ने का जो संकल्प एक गरीब औरत में आया, उससे लड़ने का जो संकल्प मदर इंडिया में आया कि वो कन्हैयालाल से लड़ जाती है, देखती है सामने गिरधारी, जाती है और गिरधारी को देखती है और देखो मुझे रोमांच हो गया और नरगिस जी ने अभिनय किया, लौट आती है। ये सब हमारी भारतेश्वरी माता से लिया कि जो मिथिलेश कुमारी, जो जनक नंदिनी जिसके चरणों में फूल बिछते थे, जो अयोध्या की महारानी बन के आई थी, वो 14 वर्ष पृथ्वी पर चली, नंगे पैर चली और कांटों से चली, ये आदर्श इस परिवार का है, इस राम का।